विजय सर, जिस तरीके से आपने बताया जो बात आलोक वर्मा जी कह रहे हैं, लेकिन अभी जो पीआईएल की स्थिति है, जो दलीलें दी गई हैं, जो सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है, उसमें क्या लग रहा है? आज फैसला आने की संभावना ज़्यादा है या फिर सुनवाई अगले 3 दिन होगी? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय न्याय का मंदिर है, और मैं आपको बताऊं, माननीय उच्च न्यायालय अगर न होता या सुप्रीम कोर्ट न होता या जिला अदालत न होता, शासन प्रशासन के लोग ऐसे ही मनमानी किया करते रहते हैं। मैं आपको बताऊं, रिजर्वेशन का जो प्रोविजन आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी जो था वो, इसमें एक वर्ड है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द एरिया एंड सच सीट्स मे बी अलॉटेड बाई रोटेशन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द म्यूनिसपल्टी। इसका क्या प्रोविजन है? अगर मान लीजिए एरिया उस एरिया के बढ़ गया तो आपको वार्ड भी बढ़ाने। एक्चुअली एक बात और मैं आपको बता दूं, बहुत गंभीर बात मैं आपके सामने उठा रहा हूं। म्यूनिसपल्टी को स्मार्ट सिटी की तमाम योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की है। स्मार्ट सिटी में करोड़ों रुपया का खर्च होता है और वो पीडीए को दे दिया जाता है। मैं आपको बताऊँ, मैं तो स्मार्ट सिटी को मैंने यहाँ चैलेंज किया है, तमाम सड़कें जो मेन सड़कें हैं उसको सुरक्षित करने की बात आती है। आप वार्ड का गठन कर देते हैं, सभासद को चुनाव कर देते हैं, लेकिन मैं सभासद महोदय से पूछना चाहूँगा और जो म्यूनसिपल्टी एरिया के जो चेयरमैन या जो नगर प्रमुख से पूछना चाहूँगा, आपने कितनी गलियों का सर्वेक्षण किया, कितनी गलियों में आप नाली और सड़कों का मरम्मत किया, कितने, क्या वो हाउस टैक्स नहीं देते, क्या वाटर टैक्स नहीं देते? आप जबरदस्ती म्यूनसिपल्टी का गठन कर रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, वर्तमान परिस्थिति में म्यूनसिपल्टी का गठन बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। एक केस मैं कर रहा था अनुज जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा साहब के सामने, उन्होंने इस बात को व्यक्त किया कि नगर निगम को बिल्कुल तोड़ देना चाहिए, नगर निगम कोई कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन उसके बावजूद भी शासन प्रशासन गलत कर रही। मैं तो पूरी उम्मीद में हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश आएगा, जो हमारे भाई ने जो पीआईएल दाखिल की है उसके समर्थन में आएगा, शासन ने जो भी रिजर्वेशन का कानून ने नियम बनाया, पब्लिकेशन किया, उससे मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ और जितने जनपद चुनाव को लड़ना चाहते वो भी संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल, माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान, जो आदेश होगा उसका हम सम्मान। आलोक वर्मा जी, देखिए, उन्होंने प्रावधान का जिक्र किया है विजय सर ने कि जो आबादी है उस अनुपात में चीज़ें बदलती हैं, तो क्या 2017 से 2022 के बीच आबादी भी तो बदली होगी, और आप कह रहे हैं कि 2017 का फॉर्मूला लगा दिया, तो आप भी समझाइए थोड़ा, कहाँ कन्फ्यूजन रह जा रहा है? देखिए मित्र, एक स्वस्थ लोकतंत्र 4 स्तंभों पर टिका होता है, और मुझे लगता है कि चारों की अपनी इंपॉर्टेंस है, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, और हमारे मीडिया के साथी भी जो चीजों को उठाते हैं, निश्चित रूप से लोकतंत्र में उसका अपना वजूद है। अब प्रशासनिक मशीनरी ने जिन चीजों को कहा, जिन बातों को कहा, जो सर्वेक्षण में निकल के आया, एक मिनट से मुझे पूरी बात कहने लीजिए, फिर आप अपनी बात कहिएगा। जी, भाई जो सिस्टम पहले से लागू था, मैं कहना चाहूंगा, मौजूदा सरकार ने उसमें कोई चेंजेज नहीं किए, कोई परिवर्तन नहीं किया। जो सिस्टम पहले से चल रहा था, प्रशासनिक मशीनरी जांच कराएगी, सर्वे कराएगी लोकल स्तर पे, एक रिपोर्ट शासन को भेजेगी, शासन उसके आधार पे आरक्षण लागू करेगा, आज भी इस बार भी वही कुछ हुआ, कुछ चेंजेस तो इस सरकार ने नहीं किया ना। प्रशासनिक मशीनरी ने जो भेजा, शासन ने उसको देखा और उसको जो है आगे बढ़ाया। लेकिन अगर किसी भी साथी को एतराज है उसके, इसकी वजह से आप मुझे, हमें जो है किसी क्वेश्चन मार्क में मत खड़ा कीजिए। आपको लगता है कि ठीक नहीं है, आप अदालत गए, अदालत की भी स्वस्थ लोकतंत्र में उतनी बड़ी भूमिका है, अदालत उसकी जांच करेगी, निरचीर अलग करेगी, और उसके बाद जो फैसला देगी उसको हम भी मानने को तैयार हैं। लेकिन आप अगर किसी चश्मे से देखने लगे कि शासन प्रशासन पे हमें भरोसा नहीं है, आपकी अपनी नजर हो सकती है, लेकिन प्रशासनिक मशीनरी का अपना एक सिस्टम होता है, वो अपनी जांच करके जो लेकर के आई, आप एक चेयर पे बैठ करके कहीं पर आप कह दे कि नहीं, इस पर भरोसा नहीं, शासन पे हमको भरोसा नहीं। ये थोड़ा सा विरोधाभास हो रहा है आलोक जी, क्योंकि आप लोग भी सत्ता में आए तो आप आज कह रहे हैं कि प्रशासन बहुत अच्छा है, लेकिन याद करिए जब आप सत्ता में नहीं थे, आप ही लोग कहते थे प्रशासन निकम्मा है, किसी काम का नहीं है, और वही अधिकारी कोई बदले नहीं है, वही वाले आईएएस है जो अब थोड़ा कुछ प्रमोट हो गए, कुछ थोड़ा और ऊपर चले गए, तो ये चीजें चलती रहती। विजय सर आएंगे, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।